हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। प्यारे बच्चों, सभी का स्वागत है। और करने जा रहे हैं एग्जाम्पलर प्रॉब्लम चैप्टर डिटरमिनेंट, हिंदी में इसे सारणिक बोलते हैं। और आज हम करेंगे वेरी वेरी इजी CUET लेवल के, CBSE लेवल के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ये जो पर्टिकुलरली क्वेश्चन मैं आपको बताऊँ किन किन एग्जाम में आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपके NDA एग्जाम में आते हैं, CUET में आते हैं, ओके, और वेरियस जो एग्जामिनेशन टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट के हैं उनमें आते हैं। तो अल्ट्रा बेसिक क्वेश्चन रहेंगे क्योंकि एग्जाम्पलर जो एकदम बेसिक बुक है। तो चलिए, ये आपके सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पिटारा ओपन हो चुका है और आइए करते हैं क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन 24 दिया गया है। इफ़ आपके सामने दो डिटरमिनेंट से कह रहा है एक्स की वैल्यू सॉल्व करो, बहुत ही सिंपल है, ओके। देख लो, एडजस्टमेंट कर दो, डिटरमिनेंट को ओपन कर दो। कैसे ओपन करते हैं आपने सीख रखा है बेसिक क्लासेस में, ओपन कर दो और इसको सॉल्व कर दो। आंसर एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, ±6। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है a-b, b+c, इतने की वैल्यू किसके इक्वल होगी, ओके। तो दो रास्ते हैं, क्या रास्ते हैं, सबसे पहले आप क्या करो कि a, b, c की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू आप एज्यूम कर लो, यानी a=1, b=2 और c=3। एक तो ये कि आप a, b, c की वैल्यू डाल करके ऑप्शन में मैच करा करके देख लो, ओके। और यदि आपको सॉल्व करना है तो इसका एक तरीका, देखो मेरे पास, ध्यान से देखो, ये b+c a बन जाएगा, मतलब a+b+c ये भी बन जाएगा a+b+c। तो मोर बेटर आप क्या लगा दो, c2 tends to c2 plus c3 लगा दो, ओके। तो c2 tends to c3 plus c3 लगा दो और क्या लगा सकते हो, देखो a-b है, और a-b में अगर आप जो है c1 tends to c1 plus c2 कर दोगे, तो देखो ये जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ है, तो क्या हो रहा है a+c b+c c+b, ये है। तो इससे कुछ फ़ायदा नहीं मिल रहा है, मतलब आप ये वाला एप्लीकेशन लगाओ या ना लगाओ कोई ज़्यादा कुछ खास नहीं है। हाँ, जो आपने ये वाला लगाया c2 tends to c2 plus c3, उससे फ़ायदा हुआ है क्योंकि क्या बन गया, a+b+c तीनों बार बन गया, तो a+b+c कॉमन आ गया, ठीक है ना। कॉमन आने के बाद क्या कर दो आप, फिर आप यहाँ पे दो जीरो बनाओ, तो क्या लगा दिया, r1 tends to r1 minus r3 and r2 tends to r2 minus r3, ठीक है। तो दो लगातार आपके जीरो बन चुके हैं। अब इसके बाद आपने क्या कर दिया, जैसे यहाँ पे कि r2 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दिया है, ओके, r2 के, हाँ एक बार मैं बताना भूल चुका था, a+b+c आपको कॉमन भी लेना पड़ेगा, है ना। देखो तो वैसे यहाँ पे a+b+c आपको कॉमन ले लिया। अब a+b+c आपने कॉमन लेने के बाद आपके पास क्या आ गया, a+b+c, ओके, और यहाँ पे a-b और ब्रैकेट में b-c। तो कोई ऑप्शन में है क्या, कोई भी ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा, तो इसका आंसर क्या होगा, डी, मतलब कि नन ऑफ दीज, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। और आपके पास एक ट्रिक मेथड भी है कि ट्रिक से आप पुट करके a, b, c की वैल्यू देख लो और चारों ऑप्शन में मैच करा लो, यदि मैच कर गई तो आंसर होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है ना। अदरवाइज इसको करने का मेथड आपने देख लिया था, क्या किया था एक बार फिर से बता देता हूँ। आपने सबसे पहले क्या किया, c2 tends to c2 plus c3 कर दिया, जिससे a+b+c की बारात बन गई, c2 की जगह वो आपने बाहर ले लिया और सॉल्व कर लिया, सिंपल एकदम, प्रैक्टिस करो बन जाएगा। कह रहा था ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल वर्टाइसिस दिया गया है, 9 square unit इसका एरिया है। देखो 9 square unit इसका एरिया दिया हुआ है, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पे वैल्यू के की निकालनी है आपको, -3, 0, 0, 3, -3, 0, 0, 0, k, फार्मूला हाफ, ये लगता है फार्मूला, नोट कर लो, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, या चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ये भी एक फार्मूला है, इससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो। क्यों, कारण क्या है, क्योंकि आपके पास मैट्रिक्स है उसका डायरेक्टली डिटर्मिनेंट निकालो या उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालो, बात बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या किया मैंने, इस फॉर्मूले का ट्रांसपोज ही तो कर दिया है, ठीक है ना, यस। अब क्या कह रहा है कि इसका एरिया निकाला वैल्यू पुट करके, और ये जो एरिया किससे इक्वेट करा दो, इस एरिया को 9 से इक्वेट करा दो, ओके, इस एरिया को किससे इक्वेट करा दो, 9 से। मैं एक बात और बोलूँगा आपको कि यहाँ पर इस एरिया को 9 से इक्वेट कराओ, मतलब कि व्हाट, ये जो आपके पास एरिया है del=9, del=9। अब एरिया जो हमेशा दिया रहता है उसको आप जब सॉल्व किया करो ना, तो delta=±9 लिख के सॉल्व किया करो, क्योंकि एरिया पॉजिटिव होता तो भी आप उसको प्लस में ही लिखते और नेगेटिव होता तो भी आप उसको प्लस में ही लिखते। तो यहाँ पे मैं कहूँगा मोर बेटर आप इसको ±9 लेके सॉल्व करो, ओके, प्लस माइनस 9। तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा सॉल्व करने पर, यहाँ से आ जाएगा 18
इक्वल टू प्लस माइनस 18 इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे 6k, तो k इक्वल टू कितना प्लस माइनस 3, तो k की जो एक्सेप्टेबल वैल्यू है यहाँ पर क्या है 3 है ना, हाँ क्योंकि माइनस 3 तो है नहीं, तो आंसर आपका एक ही आएगा और ऑप्शन केवल एक सेलेक्ट होने तो एक ही होगा, मगर आपको दोनों वैल्यू लेके करनी पड़ी है, करना चाहिए, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट, द डिटर्मिनेंट दिस इक्वल्स टू, आपके सामने एक डिटर्मिनेंट दिया गया है, सोचो क्या करोगे, पहले सोचो एक मिनट कि इसको करो कैसे। देखो एक तो वही तरीका कि आप ऑप्शंस में ए बी सी के वैल्यू प्लेस कर दो, यानी ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2 और सी इक्वल टू 3, ये आप प्लेस कर दो। दूसरा तरीका है कि कुछ कॉमन पैटर्न पकड़ो, देखो ध्यान से, यहाँ से बी कॉमन लोगे तो बी माइनस है, ए कॉमन लोगे तो बी माइनस है, सी कॉमन लोगे तो बी माइनस है, तो एक काम करो यहाँ से बी ए सी कॉमन ले लो, तो ये आपका मैट्रिक्स ये बन गया। ओके तो देखो बी माइनस है, बी माइनस है, बी माइनस है, यहाँ से भी बी माइनस है, बी माइनस है, बी माइनस है, कॉमन है, तो अपने बी माइनस है इधर वाली कॉलम से, इधर वाली कॉलम से कॉमन ले लिया, तो बाहर क्या बन गया बी माइनस है का होल स्क्वायर, इधर बन गया बी ए सी और इधर बी माइनस सी, ए माइनस बी, सी माइनस है और इधर सी बी ए, ठीक है बढ़िया। अब इसके बाद क्या करना आपको, अब यहाँ से आपको जो है बी माइनस है का होल स्क्वायर तो कॉमन ले लिया है, अब क्या कर सकते हो, देखो अब कुछ आप इसमें यदि आप b माइनस सी कर दो, मतलब क्या लगा दो c1 वन टेंस टू सी वन माइनस सी थ्री, तो कमाल की बात है कि ये दोनों जो रो हैं सेम हो रहे हैं और सेम हो जाएंगे रो, आइडेंटिकल रो, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इजी क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके सी यू ई टी में और एन डी ए में, ओके ये इजी टाइप के क्वेश्चन कहलाते हैं, बिल्कुल एकदम देखते ही टूट पड़ो वाले। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट जीरो इन द इंटरवल, देखो भाई कह रहा है कि इस ये जो आपके पास क्या बनेगा इक्वेशन बनेगा और आपको कह रहा है कि इसके इस इंटरवल में डिस्टिंक्ट रियल रूट बताओ, तो मतलब ये ऐसा क्वेश्चन एनडीए में छाप देता है, ऐसा क्वेश्चन जो है ना एनडीए में छाप देता है। तो कैसे सॉल्व करो, वही दो जीरो बनाने की कोशिश करो, तो देखो क्या करोगे, साइन एक्स कॉस एक्स कॉस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स कॉस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स कॉस एक्स, मतलब यदि आप यहाँ पर जोड़ दो चाहे आर वन टेंस टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री या सी वन टेंस टू सी टू प्लस सी टू प्लस सी थ्री, तो आपके पास में ये चीज़ बाहर आ जाएगी और ये चीज़ बाहर आती है आपके पास में वन बन जाएगा, वन वन वन, तो देखो टू साइन एक्स कॉस एक्स और वन 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 साइन एक्स कॉस एक्स, इस ये ठीक है इसको। अब क्या करो, वही आर टू टेंस टू आर टू माइनस आर वन एंड आर थ्री टेंस टू आर थ्री माइनस आर वन से इसको ओपन कर लिया, ये आपके पास आ गया, तो टू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और ये वाला जो पार्ट सॉल्व किया आपने ये इसके इक्वल हो गया। ओके तो टू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और ब्रैकेट में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा, तो टू कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, यानी कॉस एक्स इक्वल टू माइनस वन बाई टू साइन एक्स, टेन एक्स इक्वल टू माइनस टू, एक चीज हो गई है टेन एक्स इक्वल टू कितना माइनस टू, ठीक है ना। मतलब क्या सीन क्या हुआ कि या तो पहला वाला पार्ट जीरो होगा तो उसके लिए टेन एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए माइनस टू, या तो सेकेंड वाला पार्ट, बट अब आपको पता है कि टेन एक्स की वैल्यू जो होती है माइनस पाई बाई से लेके पाई बाई फोर में माइनस वन टू प्लस वन होती है, मतलब ये हमको जो है इसको हम क्या कर देंगे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मतलब ये वाला पार्ट तो हो गया नॉट एक्सेप्टेड, ये वाला पार्ट क्या हो गया नॉट एक्सेप्टेड। अब आपके पास बचा क्या, अब आपके पास बचा दूसरा वाला पार्ट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, यानी साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, यानी साइन एक्स और कॉस एक्स कहाँ पर इक्वल होते हैं टेन पाई बाई फोर पे, साइन एक्स और कॉस एक्स इक्वल होते हैं क्योंकि है ना टेन पाई बाई फोर पे साइन एक्स और कॉस एक्स क्या हुआ करते हैं इक्वल हुआ करते हैं, तो माइनस पाई बाई फोर से लेके पाई बाई फोर पे जो इक्वलिटी होती है इनकी वो कहाँ पे होती है पाई बाई फोर पे। देखिए थोड़ा सा लॉजिक ये भी यहाँ पे काम कर सकता है कि साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स है ना, हालांकि टेन एक्स इक्वल टू वन, तो साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स यानी टेन एक्स इक्वल टू वन, और टेन एक्स की वैल्यू वन जो होती है माइनस पाई बाई फोर से लेके प्लस पाई बाई फोर पे कहाँ पे एक्स इक्वल टू पाई बाई फोर पे होती, तो कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप सीधे टेन एक्स इक्वल टू वन यानी एक्स इक्वल टू पाई बाई फोर लेके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ईजी क्वेश्चन था ये। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन मैं आपको बोलूँगा ये जेईई मेंस लेवल का क्वेश्चन है, ओके ये जो क्वेश्चन है आपका जेईई मेंस लेवल का क्वेश्चन है, और चलिए इसको अंक करते हैं। क्या कह रहा क्वेश्चन, इफ ए बी एंड सी आर द एंगल ऑफ द ट्रायंगल देन द डिटर्मिनेंट, इसकी वैल्यू क्या किसके इक्वल होगी, मतलब ए बी सी जो है एंगल ऑफ ए ट्रायंगल देन द डिटर्मिनेंट इसका इक्वल किसके होगा। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखो यहाँ पे ये अपने पास में कितना है
इसको कैसे सॉल्व करो। मैं सबसे पहले बोलूँगा ऐसे क्वेश्चन को आपको घर से लगा करके जाना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको बहुत टाइम लगेगा। अगर आप इसको इक्वली ओपन करोगे ना तो आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। यदि आप इसको पूरा ओपन करोगे तो 1 × 1 × 1 एंड कॉस ए माइनस कॉस ए ज़ीरो हो जाएगा। ओके, और कॉस सी देखा जाए इसमें तो फिर कॉस सी एंड कॉस बी कॉस ए। ओके, मतलब आपको मेहनत थोड़ी सी लगेगी। तो एक तो सीधे तरीके से आप जो है डिटर्मिनेंट ओपन करके जा सकते हो, एक तरीका वो आपके पास है। दूसरा तरीका ये है कि आप इसमें ये ध्यान रखो कि आप इसमें देखो, एक आपके पास होता है प्रोजेक्शन फार्मूला। क्या होता है देखो, प्रोजेक्शन फार्मूला क्या होता है, जैसे बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, ये कितना हुआ करता है, ए हुआ करता है। तो आपको एक बढ़िया फार्मूला, मैं बढ़िया ट्रिक बता देता हूँ कि देखिए, अगर आप जो है यहाँ से भी देखो सिमेट्रिक है फार्मूला, बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। तो यदि आप इस पूरे कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में ए का मल्टीप्लाई कर दो, सेकंड कॉलम में बी का मल्टीप्लाई कर दो और थर्ड कॉलम में सी का मल्टीप्लाई कर दो, ओके, और इसको ऐड कर दो, जैसा कि यहाँ पर है सी वन ए सी वन प्लस बी सी टू प्लस सी सी थ्री। ओके, कैसे करोगे, देखो ए सी वन प्लस बी सी टू प्लस सी सी थ्री, तो यहाँ पे है माइनस ए, ओके, फिर बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, फिर यहाँ पे आ गया कॉस सी फिर कॉस बी, फिर माइनस, फिर ए कॉस सी। देखो हो क्या रहा है कि आपने कॉलम वन में ए से मल्टीप्लाई करा है, उसमें कॉलम बी में बी को ऐड करके और कॉलम सी में सी को ऐड कर दिया है, तो ए कॉस सी माइनस का बी और प्लस का सी कॉस ए, ठीक है ना। तो ऐसा ऐड करने पे आपके पास देखो क्या हो गया, ये बी कॉस सी और सी कॉस बी क्या बनता है, ये ए बनता है, ए कॉस सी और सी कॉस ए क्या बनता है, प्लस बी बनता है, और ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए क्या बनता है, प्लस सी बनता है। तो ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास कितना जनरेट हो गया, ये फर्स्ट कॉलम में आपके पास में 0 0 0 जनरेट हो गया और चुटकियों में इसका आंसर आ चुका है। ओके, इसका आंसर कितना होगा, 0 होगा। तो मेनली आपको प्रोजेक्शन फार्मूला याद रखना, मैं आप लोगों को बता देता हूँ प्रोजेक्शन फार्मूला क्या होता है। अगर ट्रायंगल आपके पास है, कैपिटल ट्रायंगल, ट्रायंगल आपके पास ए बी सी आप लोग पढ़े होंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल मैंने आपको पढ़ाया है, एंगल ए एंगल बी एंगल सी, ये स्मॉल ए है, ये स्मॉल बी है, स्मॉल सी है, तो क्या करते हैं अपन लोग इसमें, कैसे सॉल्व होता है। ओके, प्रोजेक्शन फार्मूला बता रहा था ना मैं, हाँ, तो क्या होता है प्रोजेक्शन फार्मूला, बी कॉस सी प्लस स्मॉल सी कॉस बी इक्वल टू कितना होता है, ए होता है। ओके, देन ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए इक्वल टू कितना होता है, सी होता है। ओके, मतलब इस तरफ जो नहीं होता उसको आप लोग लेना है। देन इसके बाद आपको ए कॉस सी प्लस स्मॉल सी कॉस ए इक्वल टू कितना होता है, स्मॉल बी होता है। तो ये आपको प्रोजेक्शन फार्मूले, ये लिखा हुआ है ए इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, बी इक्वल टू सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी एंड सी इक्वल टू ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए, ये आपका हो गया प्रोजेक्शन फार्मूला। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये देखिए बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आया है जो कि आपका लिमिट लगा करके सॉल्व करने को बोला गया है, बट उसके पहले एक बार फिर से ऊपर वाला क्वेश्चन एक बार पूरा का पूरा देख लीजिए। ये क्वेश्चन था और ये इसका पूरा का पूरा सोल्यूशन है, इसको एक बार में पूरा पूरा देखने की कोशिश कीजिए और समझिए कि इसको कैसे किया गया है। ये है, ओके, ये इसका कंप्लीट सोल्यूशन है, आई होप आप लोग को बिल्कुल क्लियर होगा। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, चलिए ट्राई कीजिए जल्दी से इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। देखिए क्या बोला गया, एफ टी आपके पास गिवन है और एक यहाँ पे थोड़ा सा याद रखिएगा, ये डिटर्मिनेंट है। ओके, देन लिमिट एफ टी आपको अपॉन टी स्क्वायर, तो खास बात क्या है यहाँ पे, टी 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 और यहाँ पे 1 2 टी टी है। ओके, मतलब यहाँ पे इसमें क्या है, टी 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 कॉमन, टी 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 है एक ही कॉलम में, टी 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 कॉमन है, इधर पे 1 2 टी, तो यहाँ पे बड़े आराम से टी को कॉमन लेके 1 1 1 तो बनाया जा सकता है, और फिर 1 1 1 बनने के बाद बात ही क्या है ना, 1 से 1 माइनस कर देंगे 0 हो जाएगा और कुछ ना कुछ तो होगा, फिर देखते हैं। खैर, तो पहले एक काम करना कि आपको 1 1 1 बनाना है। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए, मैं आपको एक मिनट देता हूँ, जल्दी सॉल्व कीजिए। ओके, तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का वक्त आ चुका है, अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो इसके दो तरीके हैं कि आप देखिए इस कॉलम में से पूरा यहाँ से टी 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 कॉमन आ रहा है, तो आप चाहें तो यहाँ से टी कॉमन ले भी सकते हैं, और यदि आप ना लेना चाहें तो आप क्या करो, इसको डायरेक्टली ओपन कर दो, तो जैसे यहाँ पर एक्सपेंड कर दिया विद रिस्पेक्ट टू कॉलम फर्स्ट, मतलब इसके अलॉन्ग यहाँ पर एक्सपेंड कर दिया, तो कॉस टी और टी इंटू टी टी स्क्वायर माइनस टू टी, तो ये सब सॉल्व कर लोगे, फाइनली आपके पास कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर कॉस टी प्लस टू टी साइन टी, ये आपका क्या बन चुका है, ये आपका पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट बन चुका है, जिसे आप क्या बोलते हैं, एफ टी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए लिमिट टी टेंस टू जीरो, टी स्क्वायर कॉस टी, ओके, अपॉन टी स्क्वायर प्लस लिमिट टी टेंस टू जीरो टू टी साइन टी अपॉन टी स्क्वायर। कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ईजी है, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस टी माइनस कॉस टी कितना होता है, माइनस का वन, और एक टी से टी कैंसिल हो जाएगा, टू टी साइन टी, यानी कि साइन टी अपॉन टी कितना हुआ करता है, यहाँ पे कितना है,
साइन टी अपॉन टी इक्वल टू कितना हुआ करता है, 1 हुआ करता है। तो यहाँ पे थोड़ी सी मुझे लग रही कि कोई यहाँ पे मिस्टेक हुई है, मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ, कहीं ना कहीं गलती हुई है ना। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये लिमिट टी टेंस टू ज़ीरो है, यहाँ पे कितना 2t साइन टी अपॉन कितना है टी का स्क्वायर अपॉन कितना है टी का स्क्वायर। तो एक टी से एक टी कैंसिल हो गया, 2 साइन टी अपॉन टी, तो 2 बार आ गया, केवल क्या बच गया लिमिट एक्स टी टेंस टू ज़ीरो, और यहाँ पे बच गया साइन टी अपॉन टी। तो भाई साइन टी अपॉन टी का मान कितना होता है, ये तो 1 होता है ना, तो ये बन जाएगा कितना 1, तो ये मिस्टेक हो गई है, माइनस 1 प्लस 2 बन जाए 2 हो जाएगा। ओके, यहाँ पर इसका आंसर कितना आएगा, प्लस का 1, तो ऑप्शन में प्लस का 1 होना चाहिए। ओके, बट 0 यहाँ पे दिया गया, बिल्कुल गलत है, 0 नहीं होगा इसका आंसर, यहाँ पर इसका आंसर कितना होगा, प्लस का 1 होगा। कैसे सिंप्लीफाई करना मैंने आपको बता ही दिया है, इसका आंसर कितना होगा, 1 होगा। एक बार इसको आप जी भर के देख लें, ये आपके पास क्वेश्चन था। ओके, आपने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है, डिफरेंशिएट करने के बाद आपने लिमिट ऑपरेट कर दी है और आंसर आ चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आपको बन गया होगा, ये हो, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, क्या कह रहा है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन वेयर थीटा इज़ द रियल नंबर। तो आपको इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो क्या कर सकते, 2 जीरो बना सकते हो आप। ओके, सी वन टेंस टू सी वन माइनस सी वन से 2 जीरो बनाने से ईजी हो जाएगा, और क्या हो सकता है, और कुछ नहीं हो सकता है। तो 2 जीरो बना लो या डायरेक्ट ओपन कर दो, चलो करके दिखाओ इसको, आपको समय दिया एक मिनट, करिए इसको, कोशिश कीजिए। ओके, और एक बहुत ही सिंपल सा इसमें आप वो लगा सकते हैं फार्मूला, सी वन टेंस टू सी वन माइनस सी थ्री, तो 2 जीरो तो यहीं पर हाल फिलहाल बन जाएंगे। चलिए आइए तो इसको सॉल्व करते हैं, समय हो चुका है इसको सॉल्व करने का। ये देखिए कैसे सॉल्व करा है, सी वन टेंस टू सी वन माइनस सी थ्री एंड सी टू टेंस टू सी टू माइनस सी थ्री। हालांकि जब सी वन टेंस टू सी वन माइनस सी थ्री लगा दिया, तो सी टू टेंस टू सी टू माइनस सी थ्री लगाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं, मगर छोटा हो जाएगा तो आपके लिए उतनी मजे की बात है। चलो फिर इसका क्या किया आपने, इसको ओपन कर दिया, किसी के रिस्पेक्ट में ओपन कर दिया, किसी के रिस्पेक्ट में ओपन कर दो। फिलहाल यहाँ पर इसने फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में ओपन किया है, तो 1 ओके, और कितना हो जाएगा प्लस 1 माइनस 1 और 1 ओके, और यहाँ पर कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है ना, कॉस थीटा और साइन थीटा ये आ जाएगा, ठीक है। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे मेरे को मिस्टेक समझ में आ रहा है, एक्चुअली जब आप इसको ओपन करोगे कि तो 1 के रिस्पेक्ट में जब आप इसको ओपन करोगे तो देखिए 0 इंटू 0 0 हो जाएगा और माइनस कॉस थीटा कॉस साइन थीटा हो जाएगा, तो एक्चुअली यहाँ पे माइनस साइन आएगा। ओके, तो ये माइनस करके 1 अपॉन टू 2 साइन थीटा, तो यहाँ पे कितना हो गया, ये हो गया माइनस 1 अपॉन टू और ये हो गया साइन 2 थीटा। अब आपको बोला जा रहा है कि साइन इसका इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, तो आपको देखिए मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा पहचाना बहुत आसान है, ये 1 अपॉन टू माइनस में है और साइन 2 थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना होता है माइनस 1, तो माइनस 1 इंटू 1 बाई 2 कितना हो जाएगा प्लस 1 बाई 2। तो 1 बाई 2 आंसर सही है, बट इसका मेथड जो थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया आई थिंक, माइनस साइन इसको लेना पड़ेगा तभी ये सही आएगा। तो ऐसा क्वेश्चन जो आपको ये मैं कहूँगा NDA और JEE लेवल के लिए, ऐसा क्वेश्चन जो है ना CUET के लिए, सॉरी JEE नहीं, JEE में थोड़ा सा ईजी क्वेश्चन हो जाएगा ये, तो ये CUET लेवल का क्वेश्चन आता है इस तरीके से। ओके डन, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखें, चलो क्वेश्चन नंबर 32, चलिए आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, तब तक देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 0x-a x-b x+a 0x-c और x+b x+c 0, तो कह रहा है देन एफ ऑफ ए एफ बी 0, मतलब क्या क्या रख दोगे तो 0 हो जाएगा, है ना, एफ ए 0 है, एफ बी 0 है ना, एफ 0 इक्वल टू 0, एफ 1 इक्वल टू 0। तो देखो सामने से ही देखो, अगर आप F0 रखते हो, F0 मतलब x के प्लेस पे अगर आप 0 पुट करते हो तो क्या हो रहा है, x के प्लेस पे 0 पुट करने पर यहाँ पे ये 0 ये a बन जाएगा और ये माइनस a बन जाएगा, ये b बन जाएगा, ये माइनस b बन जाएगा और ये c है लास्ट वाला, ये माइनस c है और ये 0 0 तो ही है, मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और आपने पढ़ा है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना होता है, 0 होता है। तो करेक्ट आंसर बिना कुछ करे मैं बता दूंगा कि इसका आंसर कितना होगा, F0। तो इतना इन लोगों ने सॉल्व किया है, सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने निगेटिव अप्रोच से यानी कि थोड़ा सा नॉलेज आपको है तो आपने निकाल लिया। तो मैं प्रेफर करूँगा कि ये जो क्वेश्चन होता है ऐसे ट्रिक वाले क्वेश्चन होते हैं NDA एंड देन उसके बाद मैं कहूँगा CUET लेवल के लिए क्वेश्चन बहुत प्यारे होते हैं, आप इनको ज़रूर तैयार कीजिए।
ओके तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसमें इन लोगों ने ए अलग अलग डिटरमिनेंट का वैल्यू अलग अलग ए पर निकाला, बी पर निकाला, जीरो पर निकाला है। ओके और आ गया आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33। इफ़ ए इक्वल टू दिस एंड ए इनवर्स एग्जिस्ट इफ़, तो भाई ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या कंडीशन होता है ए इनवर्स एग्जिस्ट करने का, वो लगा दीजिए। एंड यू नो कि अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है सो डिटरमिनेंट ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, तो मैं कह रहा कि लैम्डा की वैल्यू जो होगी इससे आ जाएगी इस कंडीशन से। तो चलिए इसको आप जल्दी से सॉल्व कीजिए, फिर मैं कराऊंगा आपको। एक मिनट आप ट्राई करो पहले कि अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट, इफ़ ए इनवर्स एग्जिस्ट, अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो वैल्यू क्या होगा लैम्डा का। तो ये क्वेश्चन जो होता है ये किस लेवल का है, ये सी यू ई टी लेवल का क्वेश्चन है। बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं सी यू टी में। ओके तो देखिए, डिटरमिनेंट ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं जिसका डिटरमिनेंट जीरो ना हो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन सिंगुलर। मतलब ए एक ऐसा मैट्रिक्स है जो क्या पजेस करता है कि ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, तो जो ए कहलाएगा ए को हम क्या बोलेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है ना, ए को हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे जिसका डिटरमिनेंट जीरो के इक्वल नहीं होता है। तो बढ़िया है, चलिए इसको सॉल्व कर दीजिए। ओके सो लैम्डा इज़ नॉट इक्वल टू -8/5, ए इनवर्स आपका इस तरीके से आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, एक बार इसको पूरा देख लो आप लोग आराम से किस तरीके से है। कह रहा है ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा तो लैम्डा का वैल्यू किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, तो डिटरमिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू जीरो कर दो। सो लैम्डा इज़ नॉट इक्वल टू -8/5, सिंपल क्वेश्चन है सी यू टी लेवल का। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि इफ़ ए एंड बी आर इन्वर्टेबल मैट्रिक्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू, नॉट करेक्ट। ओके तो ये तो लर्निंग फैक्ट टाइप का क्वेश्चन है कि कह रहा है कि अगर आपके पास ए और बी इन्वर्टेबल मैट्रिक्स हैं तो इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है। चलो भाई साहब देख लेते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो पहला कह रहा है एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए इंटू ए इनवर्स, तो चलो देखते हैं ए इनवर्स इक्वल टू होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए, तो एडजॉइंट ए बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अगला ए इंटू बी इनवर्स, ये भी सही लग रहा है मुझे, ये भी सही लग रहा है। ओके हाँ, और फिर उसके बाद में डिटरमिनेंट ए का इनवर्स इज इक्वल टू डिटरमिनेंट, बिल्कुल सही बात है, आपको बोला गया डिटरमिनेंट ए का इनवर्स, यानी कि डिटरमिनेंट ए का इनवर्स दिस इज इक्वल्स टू 1/1 डिटरमिनेंट ऑफ ए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो तीसरा भी सही है, एंड ए प्लस बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, ऐसा कोई रूल नहीं है, ए और बी का होल इनवर्स जो होता है बी इनवर्स प्लस ए इनवर्स के बराबर नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी जो है, कह रहा है कि कौन सा इनकरेक्ट है, तो फिलहाल हमें इनकरेक्ट ढूंढना था, तो यहाँ पर जो हमारा डी वाला है वो क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। ओके तो हमें इनकरेक्ट वाला बताना था, तो हम क्या देखेंगे, डी देखेंगे। अब चलिए यस, अब यदि बात की जाए इनकी तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या करना है भाई। ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स होता है, बिल्कुल सही बात है। ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट अपॉन डिटरमिनेंट, एडजॉइंट इक्वल टू डिटरमिनेंट इनटू ए इनवर्स, बिल्कुल सही बात है। और डिटरमिनेंट ए का इनवर्स इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ए का होल इनवर्स, ओके डिटरमिनेंट ए का होल इनवर्स इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ए का होल इनवर्स, ऐसा ही कुछ होगा ना। देखिए ये जो लाइन लिखी हुई ना, ऐसे ही आपको डिफ़िकल्ट लगेगी देखने में, बट आप इसको ऐसे देखोगे तो बड़ी आराम से लगेगी। डिटरमिनेंट ए का इनवर्स इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ए का होल इनवर्स, तो ए इनवर्स का डिटरमिनेंट को आप क्या लिख सकते हो, 1/ डिटरमिनेंट ए लिख सकते हो। ओके ए इनवर्स का डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू 1/ ए डिटरमिनेंट, तो वही यहाँ पे बन गया है, इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए का होल इनवर्स। सो डिटरमिनेंट ऑफ ए का इनवर्स इक्वल्स टू 1/ डिटरमिनेंट ए, तो एक आप छोटा सा रिजल्ट नोट कर लो कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल्स टू, ओके डिटरमिनेंट ए का होल इनवर्स। ओके या ऐसा समझ लो कि ए इनवर्स का डिटरमिनेंट दिस इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ए का इनवर्स, यस ये बहुत काम की चीज़ है, ए इनवर्स का डिटरमिनेंट ए इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ए का इनवर्स, ये नोट कर लो, ये बहुत ही काम का रिजल्ट है, आपको बहुत आगे फ़ायदा देगा। सो डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके क्यों हो जाएगा, क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ ए यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स मैंने अभी आपको बताया कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स कितना होता है, डिटरमिनेंट का इनवर्स ए इनटू डिटरमिनेंट ए का इनवर्स। सो आप लिखोगे ए इनटू
वन अपॉन डिटर्मिनेंट ए, ए से ए कैंसिल, तो कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो इतनी सी बात को इन लोगों ने ऐसे घुमा फिरा के करा, बच्चे लोग पागल हो जाएं, ठीक है ना। खैर छोड़ो उसके बाद को, अब आगे देखते हैं। ए प्लस बी का होल इनवर्स इक्वल टू वन अपॉन ए प्लस बी एडजॉइंट ए प्लस बी, एंड सो दिस इज़ नॉट इक्वल टू बी इनवर्स प्लस ए इनवर्स। सो क्या है, डी जो है इनकरेक्ट है, बाकी सारे के सारे क्या दोस्तों करेक्ट हैं, ए करेक्ट है, बी करेक्ट है, सी करेक्ट है, और डी क्या है इनकरेक्ट है। तो ये हो गया अपना काम पूरा, डी इज़ इनकरेक्ट, डन। चलिए दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये एन डी ए लेवल का है, ओके, बढ़िया क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन। देखिए कह रहा है इफ़ एक्स वाई एंड जेड ऑल आर डिफरेंट, इसका मतलब क्या होता है, एक्स वाई जेड डिफरेंट है, मतलब एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड नहीं है, मतलब तीनों आपस में इक्वल नहीं है, और जब तीनों आपस में इक्वल नहीं है तो कोई का डिफरेंस जो होगा जीरो नहीं होगा। तो कह रहा है डिफरेंट फ्रॉम जीरो, ओके, ऑल आर डिफरेंट फ्रॉम जीरो, मतलब तीनों नॉन जीरो है, सॉरी, यहाँ इसका मतलब ये नहीं निकलेगा, ऑल आर डिफरेंट फ्रॉम जीरो, मतलब एक्स इज इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड एंड दीज आर नॉट इक्वल टू जीरो, और ये आपस में भी बराबर होंगे नहीं होंगे पता नहीं है, मगर ये आपस में जीरो के अलावा हैं। तो कह रहा वन प्लस एक्स, ओके, वन प्लस वन 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 प्लस वाई वन, और ये आपको कह रहा है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको, इक्वल टू गिवन है, जीरो इक्वल टू गिवन है। चलो इसको कैसे कर लेंगे, तो दो जीरो बना लो कहीं भी, अब रैंडम जीरो बन जाएंगे दो जीरो, एक ये बना लिया है और एक ये बना लिया, तो क्या ऑपरेशन, सी वन टेंस टू सी वन माइनस सी थ्री और सी टू टेंस टू सी टू माइनस सी थ्री, तो कुछ इस तरीके की पिक्चर बन गई। अब इसको आपने एक्सपेंड कर दिया आर वन के रिस्पेक्ट में, तो एक्स ब्रैकेट में वाई वन प्लस जेड प्लस जेड, ओके, माइनस जीरो और वन वाई जेड, ये आपने सॉल्व कर लिया, ओके। अब क्या करना है आपको, अब आपने इसको पूरा का पूरा सॉल्व कर लिया और एक्स वाई जेड से आप दोनों तरफ क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कर देंगे एक्स वाई जेड से। तो एक्स वाई जेड से डिवाइड करने के बाद कुछ ये सीन बन जाएगा, वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन वाई प्लस वन अपॉन जेड प्लस वन इक्वल टू जीरो। सो वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन वाई प्लस वन अपॉन जेड इक्वल टू माइनस वन, यानी एक्स इनवर्स प्लस वाई इनवर्स प्लस जेड इनवर्स इक्वल्स टू कितना हो गया, माइनस वन हो चुका है। तो ये फाइनली आपका आंसर आ चुका है, ये आपका आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर ये हो जाएगा, ओके। एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लीजिए, क्वेश्चन कुछ ये था, ओके, एक्स वाई जेड ऑल डिफरेंट फ्रॉम जीरो एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इनवर्स वाई इनवर्स जेड इनवर्स। तो आपने इसको सॉल्व कर लिया इस तरीके से, पूरा सॉल्व कर लिया और आपने फिर एक्स वाई जेड का डिवाइड दे दिया, तो आपके पास आंसर कितना आ गया, माइनस वन आ चुका है, ओके, डन, नाइस क्वेश्चन, ओके। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए आप लोग, अगला क्वेश्चन दिया गया आपके सामने ये स्क्रीन पर, ओके, और ये क्वेश्चन जो है आपका एनडीए एंड सीबीएसई लेवल का है। चलिए सॉल्व कीजिए, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, कह रहा है कि द फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो एक तरीका आप एक्स और वाई की रैंडम वैल्यू आप एज्यूम कर लीजिए, दूसरा तरीका एक कॉमन पैटर्न देखो, देखो यहाँ पे 3x हो रहा है और 3y हो रहा है सभी में, तो आप क्यों ना c1 वन टेंस टू सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री कर लो, ओके, तो c1 वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री कर लिया आपने, ओके, और साथ ही साथ आपने क्या कर लिया, c3 थ्री टेंस टू सी थ्री माइनस सी टू, मतलब इसमें से इसको माइनस कर लिया, तो आपके पास y बच गया, ये भी y हो गया और यहाँ पे कितना हो गया, माइनस टू वाई, ठीक है, बढ़िया है। और आपने x प्लस वाई कॉमन लिया तो वन वन वन, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, वाई वाई माइनस टू वाई। अब आप एक काम करो, आर वन में से आर टू माइनस कर दो तो ये भी जीरो हो जाएगा ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा, जीरो, आपके पास बच गया वाई। अब आप इसको ओपन कर दो सेकेंड रो के रिस्पेक्ट, फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में, तो फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में ओपन होगा तो थ्री प्लस वाई और माइनस वाई, और यहाँ पे माइनस टू वाई और माइनस का वाई, मतलब माइनस थ्री वाई, और यहाँ पे हो जाएगा नाइन वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई। तो देख लो ऑप्शन कौन सा आपका, इसके हिसाब से नाइन वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, ओके। तो ये आपका हो गया करेक्ट आंसर, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो बढ़िया क्वेश्चन था, इसको प्रैक्टिस कीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ देयर आर टू वैल्यूज ऑफ ए विच मेक द डिटर्मिनेंट इक्वल टू 86। देखिए इशारा क्लियर है, कह रहा कि ए की दो वैल्यूज़ हैं, मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए में बनाइए इसको, और उसमें से ए की दो वैल्यूज़ हैं, देन सम ऑफ दीज नंबर्स, तो मतलब कुल मिला के ए का रूट आपको पूछा गया, सम ऑफ द जीरोस पूछा गया है। तो सिंपली आप इसको क्या करो, सॉल्व कर लो, और ए को सॉल्व करने के बाद आपको यहाँ से इतना भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं, मैं कहूँगा ये क्यों करना, सीधे आपके पास कह रहा दो ए की वैल्यूज़ के रूट, तो सम ऑफ द जीरोस कितना होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ से यदि आप देखेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि जो सम ऑफ द रूट्स होते हैं वो कितना होता है, माइनस का बी, कितना यहाँ पे फोर है अपॉन में वन, तो आंसर कितना आ जाएगा, माइनस फोर, क्योंकि आपको सम ऑफ द जीरोज़ निकालना था। तो क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देख लीजिए, कह रहा इफ दे आर टू वैल्यूज़ ऑफ ए विच मेक द डिटर्मिनेंट दिस इक्वल टू माइनस 86 देन द सम ऑफ द नंबर इज़, तो कह रहा ए की वैल्यूज़ का सम क्या होगा, वो दोनों वैल्यूज़ जो होंगी
उनका सम क्या होगा। तो भाई ए की दो वैल्यूज़ आएंगी तो उनके दोनों रूट्स ही तो होंगे ना, और रूट्स का सम कितना होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो इस तरीके से आपने इसको सॉल्व कर लिया, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। ओके तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हमारा हो गया। अब इसके बाद आते हैं हमारे फिलर्स, यानी कि फिलअप्स करते हैं, और ये जो फिलअप्स होते हैं मैं कहूँगा सी यू ई टी एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करते हैं। ओके सिंपल एकदम सी यू ई टी एग्जामिनेशन के लिए सिंपल फिलअप्स हैं, करिए इनको। ओके तो तेज़ी से करिए, देखिए ए इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ 3x3 देन 3A दैट इज़ इक्वल टू, फार्मूला आपको पता है कि क्या होता है, 3 to the power k। ओके एंड डिटर्मिनेंट ए सो इक्वल टू कितना आ गया, 3 की पावर 3 यानी 27A। ये पहला पार्ट हो गया, ए इज़ द इन्वर्टिबल मैट्रिक्स देन ए इनवर्स इज इक्वल टू, ए इनवर्स कितना होता है, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट दिस इज इक्वल टू, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 upon determinant A। सिंपल है। ओके कह रहा है कि इसकी वैल्यू निकालनी, देखिए 2 की पावर x और 2 की पावर, पहले इसको होल स्क्वायर ओपन कर दो, यदि आप इसको इस तरीके से ओपन करोगे ओके तो ये ओपन हो जाएगा। तो इसमें क्या किया गया, 2 into 2 की पावर x और 2 into 2 की पावर -x, ऐसा क्यों हो गया। देखिए ये इसलिए हो गया क्योंकि आपके पास में क्या दिया हुआ है कि आपने C1 में से C2 को माइनस कर दिया। ओके C1 में से C2 क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो C1 में से आपने C2 को माइनस किया है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, एक a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 4ab। तो मतलब कुल मिला के पहला वाला जो बन जाएगा 4 into 2 की पावर x और 4 into 2 की पावर -x, तो 4 4 4 बन गया, लास्ट का 1 1 1 है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है ना, ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं स्पेशली मैं आपको बताऊँ NDA में आते हैं, कि बड़े बिल्कुल नहीं होते हैं मगर आपको चौंका देते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है, इसको करिए, सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इफ कॉस्ट 2θ इक्वल टू 0 देन इतने का स्क्वायर इक्वल होगा। ओके तो पहली कंडीशन क्या है, कॉस्ट 2θ इक्वल टू 0, कॉस्ट 2θ इक्वल टू 0 है, थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, π/4। तो थीटा की वैल्यू π/4, सारी वैल्यूज़ रख दो, देखो यहाँ पे तो सारी वैल्यूज़ रखने के बाद ये इतना आ गया 0 1/√2 1/√2 1/√2 1/√2 0, और कितना है ये, तो कुल मिला करके ये क्या है, यहाँ पे ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स टाइप का दिख रहा है, इसके तो सारे एलिमेंट इक्वल हैं। और अगर आप यहाँ से भाई साहब, अगर आप यहां से 1/√2 कॉमन ले लो तो मजे की बात है, 1/√2 कॉमन पहली रो से, दूसरी रो से, तीसरी रो से। ओके ठीक है, तो 1/√2 क्योंकि डिटर्मिनेंट है तो तीनों रो से कॉमन आ रहा है, तो 1/√2 1/√2 1/√2 कॉमन आएगा यदि अंदर से, तो कितना निकलेगा अंदर से, क्या निकलेगा, 1/√2, और इसका भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके तो 1/4 × 2, मतलब इसका आंसर कितना आना चाहिए, एक मिनट, मेरी फॉर्म में तो आंसर क्योंकि स्क्वायर लगा तो 1/8 आ रहा है, और इसका आंसर ओहो यस 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 यस, आई थिंक यहाँ पे मैट्रिक्स है कि डिटर्मिनेंट है, है तो डिटर्मिनेंट, फिर चेक करते हैं क्या गलती हो रही है, एक बार देखने दीजिए, यहाँ तक सही है, वैल्यू रख दी, ठीक ना, यहाँ तक वैल्यू रख दी। हाँ देखिए गलती क्या हो रही थी कि मैं डिटर्मिनेंट को सॉल्व करे बिना कॉमन ले रहा था, आप डिटर्मिनेंट को सॉल्व करे बिना कॉमन नहीं ले सकते हो, है ना, तो आपको डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने पर आपके पास में ये कुछ सीन बन गया, 1/√2 1/√2 1/√2 1/√2 0 and 1/√2 0 or 1/√2, ठीक है, आपने ये कुछ हो गया आपका, ठीक है, अच्छी बात है भाई, बहुत बढ़िया। अब जो है आप इसको सॉल्व कर लो पहले, फिर उसके बाद इसका स्क्वायर कर देना। तो आपने फर्स्ट रो के साथ में सॉल्व किया है, तो 1/√2 ये बन गया 1/2, और फिर प्लस 1/√2 ये कितना बन गया, -1/2, तो कुल मिला करके ये है -1/√2 और ये -1/√2, मतलब -2/√2 यानी -1/√2 का होल स्क्वायर, तो आंसर इसका कितना आ गया, 1/√2। तो याद रखिएगा यहाँ पर कि डिटर्मिनेंट को पूरा सॉल्व मत कीजिएगा, सॉल्व करने के बाद जो है डिटर्मिनेंट ओपन होगा, ऐसे डायरेक्टली आपको इसको मतलब स्क्वायर को ही कॉमन नहीं ले सकते हो, पहले आप इसको पूरा सॉल्व करो फिर इसके बाद कॉमन ले। तो ये कहूँ, आई वुड सजेस्ट कि ये बहुत क्वेश्चन जो बहुत अच्छा है, और ये NDA में आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन जो NDA में आता है, सॉल्व कीजिए इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42, इफ़ ए इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 देन ए स्क्वायर का होल इनवर्स इक्वल टू कितना होगा। देखिए एक फार्मूला याद रखिए, a^n का इनवर्स इक्वल्स टू a^n होल टू द पावर n, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a इनवर्स का होल स्क्वायर। ओके आंसर कितना आ जाएगा, a इनवर्स का होल स्क्वायर, ठीक है।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, इफ़ ए इज़ द 3x3 मैट्रिक्स देन द नंबर ऑफ द माइनर्स, तो माइनर क्या होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के लिए बनते हैं ना, तो कितने एलिमेंट होंगे 3x3 में, 9 एलिमेंट, तो इसके माइनर यानी कि सहखंडज जो होंगे, माइनर यानी उपसारणिक, सॉरी माइनर को उपसारणिक बोलते हैं, तो इसके जो उपसारणिक यानी माइनर मैट्रिसेस होंगे, माइनर डिटर्मिनेंट होंगे, वो कितने बनेंगे, 9 ही बनेंगे, क्योंकि जो माइनर बनते हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग टू द एलिमेंट बना करते हैं। ओके, माइनर जो होते हैं वो क्या बनते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग टू द एलिमेंट। फिलहाल तो दो क्वेश्चन हो गए, मगर एक थ्योरम याद रखिएगा, फॉर्मूला याद रखिएगा, ए टू द पावर एन का इनवर्स, दिस इज इक्वल टू ए इनवर्स होल टू द पावर एन। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है कि द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो विद द कोफैक्टर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, तो कह रहा है कि अगर कोई रो के एलिमेंट ले लो आप और उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसके आंसर क्या आता है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसकी वैल्यू कितनी आती है। ओके, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, डिटर्मिनेंट के इक्वल होती है, किसके इक्वल होती है, इज इक्वल टू डेल के इक्वल, इक्वल टू द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, ये देखिए लिखा है वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। और अगर किसी अनादर रो का आप लेते हैं, अगर आप रो की बात कर रहे हैं तो अनादर रो के हिसाब से लेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो याद रखिएगा कि अगर आप कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कितना आएगा उसका, डिटर्मिनेंट आएगा। इफ एक्स इक्वल टू माइनस 9 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन देन अदर टू जीरोज आर, एक्स इक्वल टू माइनस 9 जो है रूट है देन अदर टू जीरोज आर, माइनस 9 इज द रूट देन अदर टू रूट्स। तो देखिए यहाँ पे एक क्यूबिक इक्वेशन बनेगा, इसको सॉल्व कर लीजिए। अब इस क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद एक कह रहा है कि आपके पास में इसका जो रूट्स है कितना है, x इक्वल टू माइनस 9, तो आपको अदर रूट्स बनाना है। तो मैं कहूँगा बेटर ये है कि आप जो है यहाँ पर, इसने क्या कर दिया, इसको इसने 126 को जो है एक इसको 9 × 2 × 7 की फॉर्म में ले लिया है ना, कुछ ऐसा, मतलब कि जो कंडीशन होती है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू होता है कितना, डी अपॉन ए, तो वही कंडीशन इसने ले ली है कि हम अपने तीन नंबर ऐसे ले लें कि जिससे कि मल्टीप्लाई जो है 926 आ जाए। फिर इसके बाद इसने हेड एंड ट्रायल लगा दिया है। ओके, तो कई सारे मेथड होते हैं कि आप यदि कह रहा है कि नाइन्थ क्लास का यूज़ करके मेथड भी आप कर सकते हो, एक्स इक्वल टू माइनस 9 इज़ द रूट है, तो आपके पास जब ये इक्वेशन बन जाए तो एक्स इक्वल टू माइनस 9 रूट है तो इसका फैक्टर क्या होगा, एक्स प्लस 9 से डिवाइड कर सकते हो। नहीं तो एक मेथड हमको ये भी पता चल गया कि भाई आपके पास में क्या है, 126 बन रहा है। ओके, तो 126 को फैक्टराइज कर लिया 9 × 2 × 7। ओके, ऑब्वियसली जब आप 126 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 14, और 14 को आप दो ही पार्ट में ब्रेक कर सकते हो, 2 × 7, और 2 और 7 को चेक कर लिया तो 2 भी इसका रूट है और 7 भी इसका रूट है, फिर चिंता किस बात की। तो इसमें जो कंसेप्ट आपका क्लास 9th का यूज़ होता है, कौन सा कंसेप्ट होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, दैट इज़ इक्वल्स टू कितना होता है, डी अपॉन ए, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा दिस इज़ इक्वल्स टू डी अपॉन ए, तो ये इसमें इस कंसेप्ट का इस्तेमाल कर लिया गया है। ओके, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा आई थिंक यही होता है ना, डी अपॉन ए ही होता है, हाँ यही होता है, डी अपॉन ए, बिल्कुल सही। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इस तरीके से होगा। बढ़िया क्वेश्चन है ये, इसको करिए एक बार। मैं कहूँगा ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा और हाई लेवल है, एनडीए में सामान्यतः छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये उससे थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, ऊपर के क्वेश्चन हमने देख लिए हैं, ये वाला भी देख लिया, और इसके बाद ये वाला भी अपन ने देख लिया, एक्स इक्वल टू माइनस 9 इज़ द रूट देन द अदर टू रूट्स। थोड़ा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन था ये, हल्का सा टाइम ले रहा है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं, और कल मैं आगे के क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा। जुड़े रहिए, कमेंट करिए कोई दिक्कत आती है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग